स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स एंड एज वी ऑल नो दैट ह्यूमंस हैव फोर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप दैट इज ए बी एंड ओ. दीज फोर टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स हैव वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग पैटर्न. दैट मीन्स वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज़ बीन ऑलरेडी डन एंड टू सच ग्रुपिंग्स आर ए बी ओ एंड आर एच. That means on the basis of these things we can group these blood groups. है ना, इन ब्लड ग्रुप्स को हम कैटेगरीज में बांट सकते हैं इन दोनों के अकॉर्डिंग. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक द ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग. कैसे करते हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग? एंड बिफोर गेट इन टू दिस ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग वी हैव टू नो टू थिंग्स दैट देयर इज अ थिंग नोन एज एंटीजन एंड अनदर इज एंटीबॉडी. And what is special about it? That this antigen, if I change the color, this antigen is present on the surface of RBC. Suppose this is the RBC, तो यहाँ पर ये जो present है that is called antigen. And antibody, this is present into the plasma of the blood. This is one thing about the antigen and antibody. Another thing which is special about antigen and antibody is that antigen are those substances which are कम फ्रॉम आउटसाइड इन योर बॉडी. है ना, बाहर से आपकी बॉडी में आते हैं. दे कैन बी वायरसेस, दे कैन बी बैक्टीरिया, दे कैन बी फंजाई और दे कैन बी एनी थिंग विच कम्स फ्रॉम आउटसाइड एंड दे आर मोस्टली हार्मफुल फॉर योर बॉडी. तो अब बॉडी तो चुप नहीं बैठेगी, बॉडी अगेन फॉर्म द एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू देम. दीज एंटीजेंस के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी क्या बनाती है? इट फॉर्म्स एंटीबॉडी एंड दीज एंटीबॉडीज फाइट टू दीज एंटीजेंस. वो इनसे फाइट करती है. सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड स्टूडेंट्स दैट एंटीबॉडीज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स ऑफ द एंटीजेंस. अपने आप नहीं बनते. वेन एवर, जैसे आप ही हो, अगर आपने किसी देखा चोर को तो ही आप पुलिस को कॉल करोगे ना बुलाने के लिए, वैसे तो नहीं कर लोगे. तो लाइक वाइज वेन एवर एंटीजन इज इन योर बॉडी दैट मीन्स दीज काइंड ऑफ फॉरन सब्सटेंसेज एंटर इन योर बॉडी, अवर बॉडी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज सो दैट दीज एंटीबॉडीज फाइट टू दीज एंटीजेंस एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ और यू कैन से प्रोवाइड यू द इम्यूनिटी. क्लियर दिस थिंग स्टूडेंट? समझ आ गई ये वाली बात? सो दैट, अब ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अभी आपको हमें पढ़नी है ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग. है ना, तो आपको एंटीजन एंटीबॉडी तो समझ आ गया. Now come to this thing that the distribution of antigen and antibody of these four groups, that means A, B, A, B and O, is depend upon these two things. है ना, ये antigen and antibody जो ये चार groups में आते हैं ये दो चीज़ों पर depend करते हैं. And what are these things? We can understand it with the help of this chart. ये chart यहाँ पर दिया हुआ है and with the help of this chart we are going to discuss about these things. And one more thing you have to, I think, understand it or you know this thing that whenever we have to transfuse the blood to someone we always match their blood groups. है ना, direct हम नहीं उसको चढ़ा देते हैं, हम उसको match करते हैं. we have to match it or you can say doctors have to match the blood groups during the transfusion of the blood because they have to take these things into the consideration. what these things? they have to take the consideration of the compatibility of antigens and antibodies. That means कि वो मैच करते हैं आपस में कि नहीं. तो उस इन्हीं दो चीज़ों को जानने के लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये अब चार्ट है, इसकी हेल्प से हम देखने जा रहे हैं. Here is the blood group A is given. Now blood group A has antigen A, क्योंकि दोनों चीज़ें होंगी बच्चों. अभी हमने बात की थी ना कि एंटीजन और एंटीबॉडी दो चीज़ें होती हैं किसी भी ब्लड ग्रुप की. अगर हम बात करें ब्लड की तो दो चीज़ें होंगी, एंटीजन होगा और एंटीबॉडी होगा, सभी में होगा. तो अब ये वही हम लोग देख रहे हैं कि अगर सपोज यू हैव अ ब्लड ग्रुप ए तो यू हैव एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी बी. इफ़ यू हैव ब्लड ग्रुप बी यू हैव एंटीजन बी एंड एंटीबॉडी ए. इफ़ यू हैव ब्लड ग्रुप ए बी यू हैव एंटीजन्स ए बी एंड एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगा. एंड इफ़ यू हैव ब्लड ग्रुप ओ देयर विल बी नो एंटीजन एंड देयर विल बी बोथ एंटीबॉडीज. तो ये तो एक चार्ट हो गया कि आपको पता होना चाहिए कि इफ़ यू हैव ए ब्लड ग्रुप यू हैव एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी बी, इफ़ यू हैव बी ब्लड ग्रुप. है ना, सिमिलरली जैसे सारा चार्ट बना हुआ है. नाउ दिस इज डोनर्स ग्रुप. डोनर्स ग्रुप्स मीन्स कि डोनर हम किसको डोनेट कर सकते हैं. दैट मीन्स सपोज अगर ए ब्लड ग्रुप है हमारा तो ए एंड ओ ब्लड ग्रुप जो पीपल हैं दे कैन डोनेट देयर ब्लड टू द ए पर्सन. जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसको डोनेट कर सकते हैं.
एंड सपोज किसी पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसको कौन दे सकता है, ब्लड बी वाला भी दे सकता है और ओ वाला भी दे सकता है, एंड सपोज ए बी ब्लड ग्रुप है उसको कौन दे सकता है, उसको सभी लोग दे सकते हैं, ए भी दे सकता है, बी बी एंड ओ बी, एंड ओ ब्लड ग्रुप वाले को सिर्फ और सिर्फ ओ वाले ही ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। ये तो हो गया बात देने की कि कौन उनको दे सकता है। नाउ कम टू द, अगर हम बात करें कि हु कैन रिसीव इट, तो ए ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ए एंड ए बी ऑल्सो, बी ब्लड ग्रुप रिसीव बी एंड ए बी, ए बी कैन रिसीव ओनली फ्रॉम ए बी, एंड ओ कैन रिसीव किसी का भी, क्योंकि वो यूनिवर्सल डोनर है तो वो सिर्फ अपना ही ले सकेगा, है ना। तो जो ए वाले हैं, अब सॉरी जो ओ वाले हैं वो ऑल है ना वो, तो अब ये जो दो चीज़ें हो गई कि डोनर, तो हमारे में केवल डोनर ही दिया हुआ है, तो वी विल टॉक अबाउट द डोनर ओनली कि कौन डोनेट कर सकता है, इनको ब्लड कौन कौन दे सकता है। तो अब ये इस चार्ट के थ्रू वी कैन अंडरस्टैंड इजिली दैट ओ इज़ यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, सबको ब्लड दे सकता है ये, एंड ए बी इज़ यूनिवर्सल रिसीवर, ये सभी का ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है। यू कैन सी इट हेयर, ये सभी का ब्लड ग्रुप ले रहा है, ये ए का भी ले रहा है, ये बी का भी ले रहा है, ये ए बी का भी ले रहा है, ये ओ का भी ले रहा है, एंड ओ जो है वो दे सबको रहा है, सबको दे सकता है, वो कोई भी इनसे ब्लड ग्रुप जो है ले सकता है। तो ओ इज़ अ यूनिवर्सल डोनर एंड ए बी इज़ अ यूनिवर्सल रिसीपियंट, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, विच फैक्टर इज़ आर एच फैक्टर, नो वॉट इज़ आर एच फैक्टर। विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट यू कैन अंडरस्टैंड दैट देर आर सम मंकीज नोन एज रीसस मंकीज, द स्पेलिंग इज आर एच ई एस यू एस, दीज आर द रीसस मंकीज, एंड इन देयर आर बी सीज देर इज एन एंटीजन प्रेजेंट, दैट एंटीजन इज कॉल्ड आर एच, एंड वाई वी कॉल्ड आर एच बिकॉज वी टेक दीज टू अल्फाबेट्स ऑफ द नेम ऑफ दिस मंकी एंड वी कॉल इट आर एच। इन सम ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, इन सम ह्यूमन बींग्स आर बी सीज ऑल्सो दिस फैक्टर इज प्रेजेंट, आर एच फैक्टर इज प्रेजेंट, वी कॉल देम दोज इंडिविजुअल्स एज आर एच पॉजिटिव, एंड देर आर सम पीपल इन हुज ब्लड ग्रुप देर विल बी नो आर एच, वी कॉल देम आर एच नेगेटिव। तो ये दो चीज़ें समझ में आ गई बेटा आपको कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर आर एच एंटीजन प्रेजेंट होता है, वाई वी कॉल्ड इट आर एच बिकॉज इट इज़ सिमिलर, दिस प्रोटीन और यू कैन से दिस एंटीजन इज सिमिलर टू द एंटीजन विच इज़ प्रेजेंट इन टू द रीसस मंकी, दोनों बहुत सिमिलर होते हैं, दैट्स वाई वी कॉल्ड दैट आर एच पॉजिटिव पीपल। जिन इंसानों के अंदर ऐसा वाला एंटीजन है जो मंकी के अंदर था, दैट आर कॉल्ड आर एच पॉजिटिव, एंड द इंडिविजुअल होम दिस एंटीजन इज एबसेंट इज नोन एज आर एच नेगेटिव। तो देर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल इन दिस डिस्कशन, वी गेट टू नो दैट टू काइंड्स ऑफ पीपल इज देयर, वन इज नोन एज आर एच पॉजिटिव पीपल एंड अनदर इज नोन एज आर एच नेगेटिव पीपल। नाउ वॉट इज द प्रॉब्लम बिटवीन द आर एच पॉजिटिव एंड आर एच नेगेटिव थिंग, इट ऑल्सो अगेन कम्स इन द टाइम ऑफ transfusion of the blood, because you cannot transfuse the blood without knowing the blood group of the person. आप आर एच पॉजिटिव नेगेटिव को ऐसे नहीं चढ़ा सकते एक दूसरे का ब्लड, यू हैव टू सी इट, एंड बेसिकली प्रॉब्लम आर एच पॉजिटिव को दो तो प्रॉब्लम नहीं आती, बट आर एच नेगेटिव को अगर हम दे देंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, बिकॉज जो आर एच नेगेटिव पर्सन है, एज यू नो दैट आर एच नेगेटिव पीपल मीन्स हेयर इज नो आर एच एंटीजन इज प्रेजेंट, एंड इन इट आर एच एंटीजन इज प्रेजेंट, एंड वी टॉक अबाउट टू थिंग्स, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। सपोज दिस इज ब्लड ग्रुप ऑफ आर एच नेगेटिव पर्सन एंड दिस इज ब्लड ग्रुप ऑफ आर एच पॉजिटिव पर्सन, ठीक है, ये प्लस बना देते हैं, ये आर एच पॉजिटिव पर्सन हो गया। तो अब वॉट हैपन्स, ये नेगेटिव हो गया, सपोज यू ट्राई टू गिव द ब्लड टू आर एच नेगेटिव पर्सन, आप ये वाला ब्लड आर एच पॉजिटिव ब्लड आर एच नेगेटिव पर्सन को देना चाहते हैं, देन वॉट विल हैपन, आपको पता है कि देयर विल बी नो मैचिंग ऑफ ब्लड ग्रुप हेयर। क्यों मैचिंग ऑफ ब्लड ग्रुप नहीं होगा? बिकॉज देयर इज इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन देम। व्हाई इनकम्पैटिबिलिटी? बिकॉज दिस बिहेव्स एज अ फॉरेन सब्सटेंस टू द आर एच नेगेटिव पर्सन, क्योंकि इसने नहीं देखा है तो इसको तो लगेगा ये कोई फॉरेन सब्सटेंस आ गया, दैट मीन्स एंटीजन आ गया, और जब ये इसको एंटीजन समझ रहा है तो दैट मीन्स ये क्या करेगा, इसके अगेंस्ट क्या बनाना स्टार्ट करेगा, ये इसके अगेंस्ट बनाना स्टार्ट कर देगा एंटीबॉडीज़। तो इसका एंटीजन इस वाले का,
और इसका एंटीबॉडी, दोनों आपस में भिड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा, ब्लड का क्लम्प, है ना, दैट मीन्स क्लॉट बन जाएगा. एंड ब्लड शुड बी फ्लुई, ब्लड को तो बहना है, ट्रांसपोर्ट करना है. अगर वो गांठ बना लेगा, अगर वो क्लम्प बना लेगा, क्लस्टर बना लेगा, तो वॉट विल हैपन, ब्लड जम जाएगा, कोई काम ही नहीं हो पाएगा, है ना, तो नुकसान हो जाएगा बंदे का. तो दैट मीन्स कि दिस कंपैटिबिलिटी शुड बी ऑलवेज कीप इन द माइंड ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन. नाउ रिलेटेड टू दिस टॉपिक, वाई वी स्टडी दिस टॉपिक, बिकॉज वी हैव टू स्टडी वन मोर थिंग. तो इसलिए हमने ये वाला चीज़ अभी कंपैटिबिलिटी समझी. एंड दैट थिंग इज देयर इज़ अ डिसऑर्डर, और यू कैन से देर इज़ अ कंडीशन दैट इज़ कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टिसिस फिटिलिस. दिस इज समथिंग विच इज़ फाउंड इन द इन्फेंट्स, इन्फेंट्स की ये एक प्रॉब्लम है. तो वी जस्ट टेक द कंडीशन, वॉट हैपन्स इज दैट देयर इज अ मदर एंड मदर इज RH नेगेटिव एंड देयर इज अ फीटस, फीटस इज RH पॉजिटिव, है ना. फीटस आप जानते हैं, एम्ब्रियो जो मदर के वूम में है वो RH पॉजिटिव है एंड मदर जो है वो RH नेगेटिव है. तो वॉट विल हैपन ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी, दैट अब फर्स्ट प्रेगनेंसी में सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो आपको ध्यान रखनी कि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है, द टू ब्लड्स दैट मीन्स मदर एंड फीटस ब्लड, इट इज़ सेपरेटेड बाई द प्लेसेंटा. तो देयर विल बी नो कॉन्टैक्ट, नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द ब्लड ऑफ मदर एंड बिटवीन द ब्लड ऑफ फीटस. तो ठीक है, सब कुछ ठीक है. बट ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड देयर शुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड एंड एक्सपोजर ऑफ जो चाइल्ड का ब्लड है, दैट मीन्स एक्सपोजर ऑफ फीटस ब्लड, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ फीटस ब्लड, है ना, दोनों का कुछ कुछ टच में आ जाए थोड़ा बहुत. एंड इन दैट केस मदर्स, ये मदर का नेगेटिव है ना, ये वाला शी इज़ मदर, मैं एम लिख देती हूँ, ये फीटस है, एफ है. तो मदर्स ब्लड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़, क्योंकि इसको क्या लगेगा, फॉरन लगेगा, फॉरनर सब्सटेंस लगेगा, एंटीजन लगेगा, तो मदर का ब्लड फटाफट एंटीबॉडीज़ बनाने लगता है. बट हेयर बिल्कुल थोड़ा सा टाइम उसको मिलता है बनाने का एंटीबॉडीज़, तो लार्ज अमाउंट में एंटीबॉडीज़ मदर का ब्लड नहीं बना पाता है. तो दैट मीन्स कि उस समय कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आती है, मोस्टली फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे. बट देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि दैट इन फ्यूचर सपोज सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज अकर्स, मतलब आगे कहीं और प्रेगनेंसीज हुई सेम मदर को, देन व्हाट विल हैपन दैट RH एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर सेल, जो अब RH एंटीबॉडी ये वाली बन चुकी है ना मदर के सेल में, तो बॉडी में सॉरी, तो वो ऑलरेडी रहेंगी, ख़त्म फिनिश नहीं हो जाएंगी. तो ये जो RH एंटीबॉडीज़ हैं बनी हुई हैं जो मदर के अंदर, जो कि RH नेगेटिव मदर थी, दे कैन कम टू द फीटल ब्लड, क्योंकि सर्कुलेशन में वो फीटस ब्लड के साथ आ सकती हैं एंड डिस्ट्रॉय द फीटस RBC. फीटस के ही RBC को क्या करेंगी, डिस्ट्रॉय करने लगेगी मदर की RBC, क्योंकि मदर की RBC एंटीबॉडी लाई है साथ में, तो एंटीबॉडी. एंड इन दैट केस द फीटस कुड सफ़र फ्रॉम द सीवियर अनिमिया हो जाए उसको, जॉन्डिस हो सकता है, एंड दैट केस इज कॉल्ड एज इरिथ्रोब्लास्टिसिस फिटिलिस. और सीरियस कंडीशन हो जाए तो डेथ भी हो सकती है चाइल्ड की आफ्टर बर्थ. तो इसलिए डॉक्टर्स के पास सोल्यूशन है उसका भी, तो दे जस्ट गिव द NTRH एंटीबॉडी, NTRH एंटीबॉडी टू द मदर, है ना, आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी. फर्स्ट डिलीवरी के बाद, फर्स्ट चाइल्ड फर्स्ट डिलीवरी के बाद मदर को ये वाली चीज़ दे दी जाती है NTRH एंटीबॉडी, सो दैट वो एंटीबॉडीज़ डीएक्टिवेट हो जाते हैं और जो नेक्स्ट अगली प्रेगनेंसीज होती हैं तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द RH ग्रुपिंग. वेन यू रीड इट फ्रॉम योर बुक यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द थियरी, आई होप. एंड नाउ अनदर टॉपिक विच इज़ कोगुलेशन ऑफ ब्लड. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कोगुलेशन ऑफ ब्लड, बिकॉज कोगुलेशन ऑफ ब्लड मीन्स आपको पता है ब्लड का जमना है ना, एंड सो मेनी टाइम्स यू कट योर फिंगर, सम टाइम्स यू गेट योर वूंड, और सम टाइम्स यू फॉल डाउन, कुछ भी होता है, चोट वोट लग जाती है आपको, तो ब्लड बहने लग जाता है. एंड यू सी एंड यू नोटिस दैट आफ्टर सम टाइम्स योर ब्लड स्टॉप्स ब्लीडिंग, है ना. बट सम टाइम्स कुछ डिजीजेस कुछ लोगों को ऐसी होती है कि ब्लड रुकते ही नहीं है, है ना, हीमोफीलिया जैसे. बट यूजुअली आपको पता है कि ब्लड हैज़ ए स्पेशल प्रॉपर्टी दैट आफ्टर सम टाइम्स इट स्टॉप्स. तो अब ये जब ब्लड रुक जाता है तो व्हाट इज़ द मैकेनिज्म बिहाइंड इट, कैसे ब्लड रुक जाता है. एंड दिस मैकेनिज्म इज़ वेरी मच कंपलसरी फॉर अस, बिकॉज सपोज हमें चोट लग गई, वूंड लग गई और ये नहीं रुका ब्लड, तो सारा ब्लड तो निकल जाएगा, BP डाउन हो जाएगा, पेशेंट कैन डाई. तो देयर इज़ अ स्पेशल मैकेनिज्म इन अवर बॉडी टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम योर बॉडी. सो अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच हेल्प्स इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड. तो जब ब्लड जमता है ना उसको हम बोलते हैं क्लॉट, ब्लड के
उसको टुकड़े को जो जम जाता है, और कोगुलम भी आप बोल सकते हो. एंड हु आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोगुलम और यू कैन से क्लॉट, तो देर आर सर्टेन फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. जैसे आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, जो बहुत ईजी चीज़ें मैं पहले लिख रही हूँ, कैल्शियम आयन. प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड आयन्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड कोगुलेशन. अगर कैल्शियम आयन नहीं हो तो ब्लड कोगुलेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज फाइब्रिन. फाइब्रिन इज अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन टू द ब्लड और यू कैन से ब्लड प्लाज्मा. एनदर थिंग इज कि वेन एवर यू गेट इंजर्ड, द इंजर्ड टिश्यू इट सेल्फ, है ना, जिस टिश्यू को चोट लगी है वो खुद ही अपना उपाय ढूंढ लेता है. इट स्टार्ट सिक्रीटिंग सर्टेन फैक्टर्स विच हेल्प्स इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड्स. एंड ब्लड प्लेटलेट्स, तो यू वेरी वेल नो दैट ब्लड प्लेटलेट्स तो इट सेल्फ प्रोड्यूस करती हैं सर्टेन सब्सटेंसेज विच हेल्प इन टू द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड. तो ये चार चीज़ें हैं बच्चों आपको याद रखनी है, कैल्शियम एंड फाइब्रिन, क्या कहोगे, इंजर्ड टिश्यू एंड ब्लड प्लेटलेट्स, ऑल फोर कंबाइंडली हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. सो नाउ देयर इज अ स्पेशल मैकेनिज्म इन द फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन ऑल्सो. फाइब्रिन इतनी ईजिली नहीं बन जाता, ये ब्लड में ही होता है. तो देयर इज अ प्रोटीन ऑल्सो नोन एज प्रोथ्रोम्बिन. जो सब्सटेंस है प्रोथ्रोम्बिन, इट कन्वर्ट्स इन टू थ्रोम्बिन फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम. एंड देन दिस थ्रोम्बिन हेल्प्स इन कन्वर्टिंग अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस. ये फाइब्रिनोजन, ये भी इनएक्टिव सब्सटेंस है, ब्लड में पड़ा रहता है, इसको एक्टिवेट करता है थ्रोम्बिन एंड इट फॉर्म्स द फाइब्रिन. फिर ये फाइब्रिन बनाता है. ये प्रोथ्रोम्बिन भी इनएक्टिवेट पड़ा रहता है, ये इनएक्टिव होता है, इसको थ्रोम्बोकाइनेज ने एक्टिव किया, थ्रोम्बिन बना. ठीक है, अब थ्रोम्बिन ने एक्टिवेट किया फाइब्रिनोजन को, ये इनएक्टिव रहता है, क्या बना, फाइब्रिन. एंड फाइब्रिन्स आर समथिंग लाइक मैश लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे नेट की तरह के स्ट्रक्चर्स फाइब्रिन, पतले पतले फाइबर्स धागों की तरह होते हैं. एंड फॉर्म्ड एलिमेंट गेट ट्रैप्ड इनटू इट. फॉर्म्ड एलिमेंट मींस आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. वो सब इसके बीच में, नेट के बीच में क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं और ये फिर क्लॉट हो जाता है ब्लड, है ना. ब्लड अब जब नेट सब बन गया तो कहाँ जाएंगे, सारे आरबीसीज और डब्ल्यूबीसी सारे इसमें आकर के ट्रैप हो गए. तो इस तरह से ये ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है. एंड दिस रिएक्शन इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन. इन योर सिलेबस इट इज़ गिवन अ वेरी स्मॉल, यू कैन से स्मॉल ग्लिम्स उन्होंने दिया है. अदरवाइज देर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड बिकॉज इट इज़ नॉट अ वेरी सिंपल प्रोसेस टू कोगुलेशन ऑफ ब्लड. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स एंड यू रीड द चैप्टर और दीज पैराग्राफ्स विद योर एन सी आर टी बुक्स. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग. थैंक यू.